भागलपुर के नवगछिया में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला नवगछिया के मिल्की गौशाला मोहल्ले का है, जहां पेंटर का काम करने वाले मनोज उर्फ ध्रुव जायसवाल को उसके छोटे भाई और अन्य परिजनों ने हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतक के छोटे भाई राकेश कुमार और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। दोपहर में किसी ने हमें फोन किया था, हमारे फोन पे फोन आया कि मक्खा तकिया में किसी का मर्डर हो गया है। थाना प्रभारी को तुरंत जानकारी, वहाँ मिल्की गौशाला है ना, वो मक्खा तकिया वो बोल रहा था, तो थाना प्रभारी को सूचित किया तो वहाँ गए। वहाँ ध्रुव जायसवाल है, 29 वर्ष का है, उसकी हत्या कर दी गई। घरेलू विवाद था, मामूली बात था, वो लकड़ी का जो बोटा बोलते हैं, सिल्ली बोलते हैं, उसी को रखने को लेकर के महिलाओं में विवाद हुआ। फिर विवाद भाई भाई में पहुँच गया और जो है एक भाई और दो, एक की पत्नी और दूसरे भाई की पत्नी मिल करके जो आरोप है उसकी हत्या कर दी गई। उसमें से एक भाई जो राकेश जायसवाल है और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई है। पत्नी का नाम सर? पत्नी नाम मेरे पास नहीं है। राकेश जायसवाल का नाम रोशनी देवी, पति राकेश जायसवाल। क्या बताइए ये दोनों? बोला ना कि वो लकड़ी का जो बोटा था रखने को लेकर विवाद हुआ, इस विवाद का कोई वजह नहीं, हत्या हुआ। वो मृतक बोला कि हम हटा देंगे, लेकिन वो आपस विवाद बढ़ गई तो कितना होगा। मृतक के बड़े भाई प्रहलाद कुमार जायसवाल ने बताया कि 10 जून को उसके एक अन्य छोटे भाई के बच्चों का मुंडन होने वाला था। इसी क्रम में साफ सफाई और घर के आसपास रखे लकड़ियों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान मामूली सी बात पर मनोज और राकेश के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान राकेश और उसकी पत्नी ने मनोज की पिटाई और गुप्तांग दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने नवगछिया छाने में अपने देवर और देवरानी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। क्या नाम है पूरा नाम? किसका? जो मर गया? ध्रुव कुमार जायसवाल। उम्र क्या? 35। पिता के जी का नाम? स्वर्गीय गोविंद भगत। घर? मिल्की गौशाला। और कितने भाई हैं आप? हम चार भाई हैं। चारों का नाम बताइए तो। बराल का प्रहलाद कुमार जायसवाल, उसके बाद जो एक्सपायर किया ध्रुव कुमार जायसवाल, उसके बाद त्रिलोकी कुमार जायसवाल, और जिसके साथ लड़ाई हुआ वो राकेश कुमार। किस मैटर को लेकर लड़ाई हुआ? कोई मैटर नहीं था सर, वो समझिए भगवान का जो कहिए, वो घर में वो पपीता का गाछ था, थोड़ा सा तो था, चाहे उखाड़ दिया होगा चाहे कुछ हो गया होगा, उतना हम मतलब हम नहीं जानते हैं। हम तो उस तरफ रहते हैं, उतना से लोग घर में उतना नहीं बड़ा है तो हरदम नहीं जाना आना मतलब होता है। अब यही बोलता है कि पपीते तक वही तेरे कुछ होने वाला था क्या? हाँ, घर में मुंडन होने वाला था। किसका? वही राकेश के बेटे का। मनोज की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक ने अपने पीछे दो बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं। पीड़ित परिजन अब आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।